हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय दीपिका। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हो रही है ब्लॉगिंग, और ये जो ब्लॉगिंग हो रही है ये हो रही है बट सावित्री के लिए, क्योंकि बट सावित्री आने वाला है। फ्राइडे का बट सावित्री है, तो उसे आज हो गया है यहाँ पे ट्यूजडे। तो ट्यूजडे से मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट किया, बिकॉज क्या है ना, क्योंकि वर्किंग डेज में हो रही है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा सकती। और आप देख रहे हो मेरे को कितनी स्वेटिंग सी हो रही है, और फेस पर मतलब बहुत ज़्यादा ना पैचेस से, ब्लैक मार्क्स से, पिगमेंटेशन, एंड कहीं कहीं पर ऐसे जैसे वो नहीं होता रैशेस से, थोड़ा बर्न बर्न सा, वो सारी चीज़ें हो रही है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या अपने फेस पर यूज़ कर रही हूँ जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और इस ब्लॉग में मैंने कैसे कैसे सारी प्रिपरेशन करी है वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो थोड़ी सी मैं पहले रेस्ट करती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर से ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ना वो साड़ी दिखा देती हूँ जो कि मैं पहनने वाली हूँ। तो मैंने ना एक साड़ी निकाली है, ये है मेरे पास साड़ी, जिसका इधर मतलब ग्रीन कलर और येलो कलर आ रहा है, लेमन है, इधर थोड़ा डार्क कलर है, मतलब तीन शेडेड की साड़ी है। और ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा हल्की सी लग रही है कि मतलब हल्की साड़ी मैं पहनूँ, क्योंकि क्या है ना कि एक तो बहुत गर्मी, मतलब दिल्ली में हद से ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे लगता है कि ये साड़ी मतलब ठीक लगेगी, हल्की फुल्की सी साड़ी है, और मतलब बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं पहननी, सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए तो मैक्सिमम। तो मेरे को यही साड़ी ठीक लग रही है। और अभी मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ कि मेरा ना ब्लाउज, मुझे ये साड़ी जो पहनने का मन है ना सिर्फ और सिर्फ इसके ब्लाउज की वजह से, तो दिखाती हूँ मैं आपको। सो मैं आपको ब्लाउज कह रही थी, तो ये है इसका ब्लाउज गाइस, ये इसका बैक है ब्लाउज का, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे मटका लगाया, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया, और यहाँ पे बुंदी का वो लगा हुआ है। ये इसकी बाजू है जो मैंने बाजू बनवाई है, और आगे से कुछ इस तरीके का है, तो बिल्कुल सिम मतलब आगे से सिंपल है। और इसका जो बैक है ना ब्लाउज का, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे ना ये जो मतलब वो होती है बाजू जो होती है, उसमें ना मैंने इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा सी जो फ्रिल्स होती है ना, वो फ्रिल लगवा ली है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस गले की वजह से ही ना इस ब्लाउज का पहनना चाह रही हूँ, और इसमें मैं अच्छी अच्छी वीडियोज भी बनाऊंगी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मतलब सिंपल सोबर और हल्की सी साड़ी गर्मियों में ठीक रहेगी। तो गाइज मैंने अभी आपको ना जैसे साड़ी दिखा दी, अपना ब्लाउज दिखा दिया, तो अब मेरे को ना चूड़ी बनानी है। तो चूड़ी के लिए मैंने कुछ ना कड़े वगैरह करके, जैसे मैंने एक ही कड़ा निकाला, तो ये कड़ा है तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक लगेगा, मोतियों का है। और इसमें क्योंकि पीली रंग की मतलब येलो और ग्रीन कलर की है, तो साथ में मतलब मैं ये भी जोड़ सकती हूँ ना, ये वाला कड़ा जोड़ दे सकती हूँ, है ना। तो ये भी सोच रही हूँ, या फिर इस तरीके से बीच में ये कड़े लगा के और ये लगा लूँ तो लटकन की, तो थोड़ा हैवी सा चूड़ा हो जाएगा। और कांच की चूड़ी पहननी है, तो मेरे पास येलो कलर की चूड़ियाँ भी हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से ना बनाने की सोच रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा मतलब हाथों का बना लेती हूँ, और ये चूड़ी भी ऐड कर सकती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मतलब बना के देखती हूँ, पेयर है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आप देखना, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है येल्लो और ग्रीन का, थोड़ा सा हैवी हो गया है बट साड़ी ज़्यादा हल्की है, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक लगेगा। थोड़ी देर के लिए तो पहनना है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, है ना, कि कैसा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा येल्लो मैंने ज़्यादा कर दिया और ग्रीन कम कर दिया है, बट ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है ना, पहन के देखते हैं एक बार। तो कुछ इस तरीके का हो गया है गाइज, थोड़ा सा हैवी लग रहा है बट लग रहा है कि अच्छा भी लगेगा, और चिमचिमाने सा आवाज है, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ी सी देर के लिए पहनना है। और मैंने इसमें क्या है कि कुछ कांच की चूड़ी ऐड कर दी बीच में, ये वाला कांच का कड़ा लगा दिया है यहाँ पे बीच में ऐड कर दी, तो मम्मी को भी मतलब सासू माँ को भी गुस्सा नहीं आएगा कि प्लास्टिक की चूड़ी पहनी है। और ये ना थोड़ा सा चूड़ा वाली वाइब दे रहा है, थोड़ा सा चूड़ा भी लगेगा। तो ये मेरी हो गई है चूड़ियाँ। गाइस ज्वेलरी में मैंने ना ये एक मेरे पास एक पेंडेंट है, मतलब माला टाइप का सा है, तो मैंने ये निकाला है, साड़ी पर मैच कर रहा है, ये इसके इयररिंग्स हो जाएंगे। और एक मैंने ना ये लट्टू निकाल लिया है, मतलब मेरे को माथा पट्टी इस बार बननी है, तो मैं फिर एक छोटा सा ये लट्टू लगा लूंगी। तो ये साड़ी की ज्वेलरी भी रेडी हो गई। इसके बाद गाइज मैंने ना नाइट में मेहंदी लगाई, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बैक का डिजाइन है और ये फ्रंट का। सो गाइज मैं आपको बता रही थी ना कि मैं आजकल अपने फेस पर कुछ स्किन केयर का कर रही हूँ, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ अपने फेस पे, जिससे कि जो छोटे छोटे से दाने हैं, पिगमेंटेशन है, वो सारी चीज़ चली जाए। तो वो बता देती हूँ कि वो क्या मैं अपने फेस पर लगाती हूँ। गाइज यहाँ पर मैंने ना एक कंटेनर है जिसमें मतलब एक बाउल ले रखा है, जिसमें मैं मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो घोल के रखती हूँ। तो ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है कि जो इसमें मैं डाल के रखती हूँ। साथ में ये वयम आयुर्वेदा का ना एक सैंडलवुड पाउडर आता है जो एक्ने फाइटिंग पैक है, और ये ना मतलब सैंडलवुड पाउडर है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना इस वाले उसमें मिला देती हूँ, और फिर उसके बाद में फेस पर लगाती हूँ। गाइज इस तरीके से ना एक पैक रेडी हो जाता है, तो इसको लगाते हैं चलो फेस पर। फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है गाइज इसमें, बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि इसके अंदर जो सैंडलवुड पाउडर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेग्रेंस देता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये काफ़ी काम कर रहा है, मतलब मैं इसको आई थिंक
मैं बोल सकती हूँ 4-5 दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे ना बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी मैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि क्या होता है जब बार बार हम मेकअप यूज करते हैं ना तो पिगमेंटेशन हो ही जाता है, और वैसे भी समर में तो थोड़ा प्रॉब्लम आता ही आता है। सो गाइस, फेस पैक मैंने लगा दिया है और ये ना बहुत अच्छा पैक है, इतनी ठंडक मिलती है इसको लगा के, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है और मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा उसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है, तो फेस पे ना जो छोटे छोटे से दाने या पिंपल्स या फिर आपके एक्ने वगैरह है वो सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। बट इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सैंडलवुड पाउडर आप ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका जो लिंक है ना सैंडलवुड पाउडर का जो मैंने परचेज किया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इजीली मतलब परचेज कर सकते हैं। तो अभी इसको सूखने देते हैं नेचुरली, और जब तक ये सूखेगा ना गाइज आप तब तक बातें नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है जो फेस की जो मतलब हमारी जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है जब हम बोलते हैं, एंड ये जो पैक होता है ये क्या करता है स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है, तो इतनी देर आप बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं इसको नेचुरली सूखने देती हूँ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी बर्थ सावित्री टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो मॉर्निंग हो रही है और अभी मैंने नहा ही धोई हूँ और जस्ट मैंने एक ही साड़ी पहनी है, और मैंने ना इस तरीके से देखो मेहंदी लगाई थी, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये मेरी मेहंदी है, ये मैंने खुद से लगाई है मेहंदी, एंड दिस इज़ माई चूड़ा जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी ना मैं ना जस्ट रेडी होने जा रही हूँ, तो अभी जस्ट मैं पहले रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद बस मेकअप वेकअप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मेकअप का इतना मन नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा के लिए रेडी होती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर ये जो बट का जो वृक्ष है वहाँ पर मैं आई, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे जैसे पूड़ी खीर वगैरह जो होती है वो लेके आते हैं और दीपक जला देते हैं, और ये जो कलावा होता है ये चारों तरफ जैसे 7 बार बांधते हैं और जल मतलब चढ़ा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। और मतलब बहुत अच्छा लगता है आज के दिन, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो हस्बैंड के लिए होता है, और बट का जो वृक्ष होता है उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, और ये जो मंदिर है इस मंदिर में मैं आ जाई हूँ पूजा करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप में दिखाया है कि ये मंदिर है हमारे घर के पास। सो गाइस, पूजा हो चुकी है और यहाँ इतनी तेज धूप है कि पैर वैर सब जल रहे हैं, और आप देख सकते हो तो मेरे पीछे ही जो बड़ा है वहाँ पर मेरी पूजा वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं, और हैप्पी बर्थ सावित्री। सो गाइज, दिस इज़ माई फुल लुक जो आज मैंने पहनी है, बहुत सिंपल सी साड़ी, ये चूड़ा एंड ये मैंने लगाया है प्यारा सा पोला छोटा सा, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, हल्का फुल्का मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो दिस इज गाइज माई फुल लुक। कैसी लगी जरूर बताना, और आप लोगों को बट सावित्री की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी बट सावित्री बहुत बहुत अच्छी रहे, ब्लॉग बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो थैंक यू सो मच। तो गाइज, मेरी मंदिर में पूजा हो गई थी, इसके बाद यहाँ पर ना घर पर भी पूजा होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं जैसे पहले करसी करते हैं, ठीक है? तो जैसे मेरी जो सासू माँ है ना वही करसी कर रही हैं, तो यहाँ पर करसी करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें ना लौंग का जोड़ा देते हैं हम लोग, और लौंग का जोड़ा देने के बाद जो हमने खीर पूड़ी बनाई होती है वो खीर पूड़ी लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं खीर पूड़ी लेके उसमें मतलब जो करसी होती है उसी में ही भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद ये क्या करते हैं जैसे अभी जो मम्मी कर रही थी ना, ये हम दीपक से ना मतलब उसको बुलाते, देवी को बुलाते हैं, तो वो सारी चीजें थी, और फिर ये जो होता है ना बायना ये सासू माँ को दिया जाता है, तो ये सब चीजें थी। और फिर थोड़ा सा मैं तरा रही थी यहाँ पे बैठी बैठी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, जब रेडी वेडी होते थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी थी कि बहुत बुरी हालत भी हो रही थी, बट मजा भी आ रहा था। सो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बट सावित्री का ब्लॉग, आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील अपलोडेड है तो वहां पर आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्यारा सा वीडियो, तो मिलती हूँ आपसे जल्दी सी और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के टिल देन गाइज, बाय बाय।